सुन करके आर्तवाणी बोले कृष्ण महाराज, अवतार धार आऊंगा नहीं चले पाप कारा, मैं संत रूप धारूंगा भक्तों की रखने ला, पापी को सजा मिलेगी मैं करूं धर्म के काम। उत्तम है ब्राह्मण जाति धन धन्य बाल की ग्राम, एक ब्राह्मण के घर जन्मे श्री मोहनदास था नाम, वह अपने माता पिता को करते थे नित परिणाम, भक्ति की शिक्षा देकर चल दिए पिता स्वर्ग धाम। बचपन में मरे पिताजी बहता आंखों से नीर, परिवार सभी समझाता मोहन तुम धर लो धीर, इस जग से जाना होगा एक दिन सबको आखिर, एक पल में ही किस्मत को देते हैं बदली फकीर। सिद्ध संतों की सेवा से, सिद्ध संतों की सेवा से संकट कट जाते हैं, श्री मोहनदास बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्री मोहनदास जी, श्री मोहनदास जी, श्री मोहनदास जी, श्री मोहनदास जी। माता बोली मोहन से जागो चराने को, बिना कमाए कहाँ से आएगा खाने को, पीछे जाना जंगल में पहले पढ़कर आना, दुनिया में नाम तेरा हो कुछ बन के दिखलाना, रोजाना पढ़ने जाता बालक था मोहन दास, ये कुल का नाम करेगा था माता को विश्वास, माता की आज्ञा सुनकर नित पढ़ने जाता था, पहले पढ़ कर के आता फिर गऊ चराता था, उस जंगल में रहते थे कुछ ऋषि मुनि ज्ञानी, मोहन के पास आते थे पीने के लिए पानी, उस बियाबान जंगल में पानी नहीं पाता था, पानी की जगह संतों को वह दूध पिलाता था, वहाँ ऋषि मुनि वेदों के, वहाँ ऋषि मुनि वेदों के नित पाठ पढ़ाते हैं, श्री मोहनदास बाबा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, श्री मोहनदास जी, श्री मोहनदास जी, श्री मोहनदास जी, श्री मोहनदास जी। उस मोहन की गऊओं में एक गऊ चरने आती, होती जब श्याम रात को एक गुफा
में वह जाती। उस गौ को आते आते हो गया था जब किसान। इस गौ का कौन है मालिक मोहन को आया ख्याल। वह नहीं चराई देता लोभी है या कंगाल। एक बार तो मिलकर देखूं कैसा है उसका हाल। फिर मोहन दास चला था गौ के पीछे पीछे। बैठा पाया सिद्ध साधु अपनी आंखें नीचे। मोहन बोला साधु से बाबा आंखें खोलो। लेने आया हूँ चराई क्या मर्जी है बोलो। बाबा ने आंखें खोली और कहा सुनो भाई संतों के पास देने को ना थेला ना पाई।